और अब बात करते हैं राम रहीम की। रेप और मर्डर का दोषी राम रहीम जल्दी जेल से बाहर आ सकता है। दरअसल राम रहीम ने खेती बाड़ी करने के लिए पैरोल मांगी है और हरियाणा सरकार इस बात पर पैरोल को मंजूर करने का मन बना चुकी है कि जेल में राम रहीम का आचरण अच्छा है। हालांकि राम रहीम की रिहाई को अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष इसे मेहरबानी पर सवाल भी उठा रहा है। राम रहीम को रेप केस में 2017 में रेप केस में 20 साल की सजा मिली थी और इस साल जनवरी में पत्रकार छत्रपति की हत्या में उम्र कैद की सजा मिली थी। जेल से बाहर आएगा रेपिस्ट बाबा? रेप का दोषी राम रहीम अब खेती करेगा? खेती करने के लिए दी राम रहीम ने अर्जी। रेपी के दोषी राम रहीम को पैरोल देगी खट्टर सरकार? राम रहीम की रिहाई का क्या है चुनाव कनेक्शन? हरियाणा में चुनाव का मौसम आने वाला है और चुनावी मौसम में डेरा सच्चा सौदा राम रहीम एक बार फिर चर्चा में है। चुनाव से एन पहले बाहर लाने की कोशिश परवान चढ़ रही है और इन कोशिशों में हरियाणा सरकार भी मौन सहमति दिखा रही है। रोहतक के सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम ने खेती बाड़ी को आधार बनाकर पैरोल मांगी है, लेकिन सिरसा जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट हरियाणा सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भेजी है उसके मुताबिक राम रहीम के नाम पर सिरसा में कोई भी कृषि भूमि नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि डेरे के पास कुल 250 एकड़ भूमि है, लेकिन इस जमीन के रिकॉर्ड पर कहीं भी राम रहीम मालिक या बतौर किसान रजिस्टर्ड नहीं है। माना जा रहा है कि सिरसा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर राम रहीम की पैरोल की याचिका खारिज की जा सकती है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की खुफिया रिपोर्ट भी राम रहीम को पैरोल देने के हक में नहीं है। पुलिस का मानना है कि ऐसा करने पर सिरसा में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और पंचकुला जैसे हालात बन सकते हैं। दो दो साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या मामले में सजा काट रहा है गुरमीत राम रहीम। जेल से बाहर आने पर सस्पेंस गहरा गया है। राम रहीम ने 42 दिनों के पैरोल की अर्जी दी है। जेल प्रशासन ने अच्छे व्यवहार के सर्टिफिकेट के साथ ही हरी झंडी भी दे दी है। अब जिला प्रशासन को राम रहीम के जेल से बाहर आने को लेकर फैसला लेना है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद अब उसके पैरोल की अर्जी खारिज हो सकती है। अब आपको राम रहीम के गुनाहों की फहरिस्त बताते हैं। रेप और मर्डर के मामले में राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को दोषी ठहराया गया था। रेप और मर्डर के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अगस्त 2017 से ही राम रहीम जेल में बंद है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हरियाणा की दो दर्जन से अधिक सीटों पर डेरा सच्चा सौदा राम रहीम के भक्तों की बड़ी तादाद है, इतने कि वो विधानसभा चुनाव में हार जीत पर असर डाल सके। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम रहीम को चुनाव की वजह से जेल से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है? यदि जिसका आचरण सही रहे जेल के अंदर, तो हमारे सुप्रिटेंडेंट उन्होंने अपनी दरखास्त लगाई, तो सुप्रिटेंडेंट अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये इनका आचरण अंदर ठीक रहा है। हरियाणा में चुनाव से पहले राम रहीम को लेकर सियासत गर्म हो गई है। राम रहीम की करतूत से हैरान परेशान रही हरियाणा की खट्टर सरकार पैरोल को लेकर काफी उदार दिख रही है। जेल मंत्री कृष्ण लाल पवार राम रहीम के अधिकार और कानूनी हक की वकालत कर रहे हैं, तो बड़बोले मंत्री अनिल विज खुलकर समर्थन में उतर आए हैं।